आदाब जी के अर्ली न्यूज में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मंडी के लोग मंडी में बाईपास पुल के पुनर्निर्माण के लिए कई वर्षों ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन या सरकार उनकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंडी के कई लोगों के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता यार मोहम्मद तांत्रे ने इस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कई सालों तक तहसीलदार मंडी ऐसे ही लेकर जिला विकास आयुक्त पुंछ एक सिंह पुंछ की राज्यपाल के अलावा उपराज्यपाल भारत के प्रधानमंत्री रहे। पुनर्निर्माण की आवाज ऐसे ही अवगत कराया गया था, लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि कोई भी इस बाजार के लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों ऐसे ही बने इस पुल ऐसे ही देश भर के हजारों तीर्थयात्री गुजरते हैं। कोलिकर स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने भी इस पुल के प्रतिष्ठापन की मांग की थी। जो है इसके अलावा सौदियन मोरिन उरई केदार सतरा और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुल का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। मंडी से हमारे रिपोर्टर रियाज मलिक की रिपोर्ट। किसी हादसे को दावत दे रहा है, इसलिए इस पे गवर्नमेंट की जो है नज़र होनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया की हो, गवर्नर इंतज़ामिया की हो, इस पे तवज्जो दी जानी चाहिए। अरसा दराज से ये तवज्जो का इंतज़ार कर रहा है। इसके मुतबातिल जो पुल बनाया जा रहा है वो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी काम बंद पड़ा हुआ है, ना मालूम वजूहात की बिना से उसको काम आगे जारी नहीं रखा गया है। इसलिए हमारी यहाँ पर जो है बहुत आमदोरफ्त है, यहाँ पर दिन भर हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पर बाज़ार में आना भी कोई गवारा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ दो दो घंटे जाम लग जाता है। गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत और राहगीरों को भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है इस पुल की वजह से। तो हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही तवक्का रखेंगे कि इस पुल पर जल्द अज जल्द तवज्जो दी जाए और इस ताकि यहाँ के जो आवाम, यहाँ की जो आमदोरफ्त है, उन आमदोरफ्त का और आवाम का जो है मुश्किलात का इजाला हो सके।